चैनल एम क्लू। तो भाई आज हम करने वाले हैं, मैं करने वाली हूँ आज हलीमा सुल्तान का इंस्पायर्ड मेकअप, और मैं उनके से लुक क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। और जिस पिक्चर का लुक हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो पिक्चर है ये। सो मेरे पास, मैंने इस तरीके की कैप और दुपट्टे के साथ बना लिया है, और इनकी जो एयरिंग है वो भी तकरीबन इतने सेम नहीं है बट है। और मैं इनके जैसा मेकअप क्रिएट करने की भी कोशिश करूँगी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस पिक्चर में इनकी आईब्रोज जो है वो डार्क है, तो हम आईब्रोज अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। मुझे भी अपनी आईब्रोज डार्क करनी होगी, और मेरे पास इतना कोई ख़ास मेकअप है नहीं, मेरे पास कुछ ही सामान है मेकअप का, मस्कारा वगैरह, और जो बाकी का जिससे मैं आईब्रोज करूँगी, ब्रशेस वगैरह लगाऊँगी, वो सब मैंने मम्मा से उधार लिया है, क्योंकि मम्मा मेरे सारी कुछ चीज़ें लगाती नहीं है, बच्ची हूँ मैं। सो ये इससे मैं लगाऊँगी, जैसे मम्मा आईलाइनर लगाती हैं उससे हम अपनी आईब्रोज डार्क कर लेंगे, मतलब ऐसा कुछ मसला नहीं है। सो चलो अब मैं आईब्रोज डार्क कर रही हूँ। तो मुझे इतना कोई आईब्रोज का आइडिया नहीं है। सो पता नहीं लाइट हो गई है, डार्क हो गई है, ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता। खैर वो तो बाद में पता चलेगा। सो अब मैं हम लगाते हैं मस्कारा। तो फाइनली ये मस्कारा गिरा, ये मस्कारा एक लौटी चीज़ जो मेरी है, आई एम वेरी हैप्पी। सो अब हम लगाएंगे मस्कारा, क्योंकि उन्होंने मस्कारा अपना ही लगाया था। तो मस्कारा भी डन हो गया है। तो उन्होंने काजल तो नहीं लगाया हुआ, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगाया हुआ, बस ऊपर हल्का सा आई शेडो टाइप कुछ लगाया हुआ, आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो उन्होंने काजल तो नहीं लगाया हुआ है, बट उन्होंने मस्कारा लगाया हुआ तो मैंने लगा लिया, और हल्का सा ऊपर उन्होंने आई शेडो लगाया हुआ तो मैं वो लगाऊँगी। मैं भूल गई थी कि पहले आईशैडो लगाते हैं देन फिर मस्कारा लगाते हैं, तो मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था। सो फिर भी लगा लिया, लेकिन बहुत हल्का सा टच अप ही ज़्यादा मैंने किया है। तो अब हम लगाते हैं ब्लशन। ये भी मेरा ही है, आप लोगों ने इसकी वीडियो तो देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए। तो चलो अब हम लगाते हैं ब्लशन। सो आई एम डन विद ब्लशन। सो आपको पता नहीं नज़र आ रहा होगा या नहीं, मैंने बहुत हल्का सा लगाया है, और अब मैं होगा मेरा ब्लशन मैंने कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, अब हम चार लगाएंगे टिंट। लेट्स गो। तो मैं लगा रही हूँ ये वाली टिंट, तो उनके लुक के लिहाज से ये वाली टिंट है, तो मैं लगाऊँ। तो मैंने टिंट लगा ली है, बट मैंने बहुत लाइट टिंट लगाई थी, आपको लग रही होगी बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाई है, मैंने रेड लगाई है, बट मैंने बहुत लाइट पीच की लड़की लगाई है। तो हम लोगों ने मेकअप तो हमारा डन हो गया है पूरा, तो अब हम पहनेंगे ज्वेलरी एंड मैंने कैप रेडी की है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, पहन के लिए दिखा देती हूँ आपको, अभी दिखाऊंगी तो सारा मजा खराब हो जाएगा। तो मैंने बहुत मुश्किलों से दुपट्टे पे पहले इसको टोपी को लगाया, फिर मैंने इसको माथा पट्टी को अच्छे से सेट करा, और मेकअप तो आपके सामने किया मैंने, और अभी आपके लाइक्स बताएंगे कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है। मुझे
मुझे मेरा मेकअप मेकअप अच्छा लगा, बट मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें लगाती हूँ, सो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था। सो अगर कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो गई हो तो जस्ट इग्नोर इट, बिकॉज मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों का। सो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर मेरा लुक अच्छा लगा सो या आप इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।